बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को तनवीर हाजमी की तरफ से मीठा सा अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं बाबा हाजमी फूड्स। और आज मैं आपको बड़ी जबरदस्त सी आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ। मजा आएगा रेसिपी का इंशाल्लाह ताला। आज हम बनाएंगे ग्रीन टी, कश्मीरी चाय, सब्ज चाय। हम अपने तरीके से आप तैयार करेंगे और खास तौर पर मैं कमर्शियल हजरात को कहूँगा वो मुतवज्जो हों, आज ये रेसिपी को बड़े गौर से देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। बड़ी जबरदस्त रेसिपी तैयार होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो चलिए हम देर किए बगैर तैयार करते हैं ग्रीन टी। व्यूअर्स चलिए सब चाय के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा साथ साथ मैं बनाता जाऊंगा, साथ में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला मुकम्मल। लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं ग्रीन टी बना के भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा इस वीडियो में। और ये कमर्शियल हजरात के लिए मैं बड़ी रेसिपी बना रहा हूँ, इसमें 250 ग्राम जो है ना कावे की मैं बना रहा हूँ रेसिपी। तो पानी हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मगा लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये इसमें मैं 15 मगे शामिल करूँगा पानी के, अभी मैं शामिल करके दिखा देता हूँ आपको। व्यूअर्स इसमें मैंने 15 ग्लास पानी शामिल कर लिया है, अभी इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन टी 250 ग्राम, ठीक है जी। बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताता चलूँगा। इसको डाल के हम पानी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देचका हमें वो वाला छोटा लगा ये वाला, तो इसलिए मैं देचका चेंज कर रहा हूँ, बड़ा लेके आया क्योंकि पानी मजीद हम इसमें शामिल करेंगे, इसलिए जो है ना तसला जो ना ये देचका मैं चेंज कर रहा हूँ। व्यूअर्स देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है पानी को, ठीक है। बॉयल आने से अब हम इसमें अपनी मजीद चीज़ें शामिल करेंगे। बादियान के फूल हैं 15 अदद वैसे हैं काउंटिंग में, और वज़न इनका 20 ग्राम है, ठीक है जी। वजन इनका 20 ग्राम है और काउंटिंग में 15 ये शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे लौंग, 15 अदद लौंग है काउंटिंग में, वजन में ये 3 ग्राम है, ये शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ ही दालचीनी है, ये देखें 5 टुकड़े हैं, 3-3 इंच के 5 टुकड़े हैं, वजन में ये 20 ग्राम है, ठीक है जी। अभी इनके मैं छोटे पीस करके फिर शामिल करूँगा, छोटे पीस करके आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स दालचीनी मैंने छोटी कर ली है, इसको हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम 35 अदद सब्ज़ इलायची है, ठीक है जी, और वज़न में ये 8 ग्राम है, ये हम शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से इसमें बॉयल करेंगे। व्यूअर्स इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे और साथ साथ इसको हम इस तरह फेंटते रहेंगे, इसको हमने हिलाते रहना है, ऐसे नहीं इसको छोड़ना, इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त निकलेगा और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स देखें जब बॉयल आ रहा है, इसको मैं लगातार फेंट रहा था, तो अभी इसमें हम शामिल करेंगे नमक, सॉल्ट 2 टीस्पून, ठीक है जी। 2 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, वज़न में ये 8 ग्राम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक का बहुत अहम किरदार है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इसके साथ, इसको शामिल करने के साथ। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे मीठा सोडा, ठीक है जी, 1.5 टीस्पून जो है ना इसमें हम ये शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून इसमें हम मीठा सोडा शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। वज़न में ये 6 ग्राम है, तो इसका भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। बड़ी ज़बरदस्त आज रेसिपी तैयार होने वाली है, मुकम्मल रेसिपी देखिएगा। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। इसको दबाने से मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको आसानी से मिलेगी, और आगे अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी मेरी वीडियोस को शेयर करें जितना हो सके। आपका फीडबैक भी मुझे आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको मुकम्मल रेसिपी देता हूँ इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स देखें बड़ा ज़बरदस्त कलर निकल रहा है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें इसका कलर बहुत प्यारा कलर निकल रहा है। अब इसमें मैंने एक दो चीज़ें और इसमें शामिल करनी है जो खसूसन कमर्शियल हजरात के लिए हैं, जो उनके काम आएगी, ज़िंदगी भर याद रखेंगे बाबा हाजमी ने रेसिपी दिया है इंशाल्लाह। तो अभी ये हाफ पानी रह गया, जो मैंने पानी इसमें शामिल किया वो हाफ रह गया आधा। तो अभी हमने जितना पहले हमने पानी शामिल किया 15 ग्लास मैं अभी इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगा, और वो भी ठंडा पानी होना चाहिए। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में वैसे ही पानी ठंडा होता है, अगर मौसम गर्म हो तो हमने बर्फ़ वाला ठंडा पानी यूज़ करना है, ये मैं आपको बताता चलूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 ग्लास पूरे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्यूअर्स ये मैंने 15 ग्लास पानी इसमें शामिल कर दिया, अभी इसके हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, मिलते हैं बॉयल आने तक। व्यूअर्स ये देखें
इसका अपना कलर मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा पिंक कलर है, सब्ज चाय का पिंक कलर, ये पंसार से आसानी से मिल जाता है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। वजन में ये 5 ग्राम है, इसको हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कमर्शियल हजरात के लिए है, ये कोई भी कलर नहीं इसमें डालते हुए दिखाएगा, इसके बगैर सब्ज चाय का कलर जो है ना वो सही नहीं निकलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। इसी से कलर से ही इसका सही कलर निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। अभी आपको मैं बना के भी चाय इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ज़बरदस्त चाय तैयार होगी। व्यूअर जी देखें, अभी मज़ीद ये फिर पानी आधा रह गया। सबसे पहले मैंने 15 गिलास शामिल किए, 7.5 गिलास जितना पानी रह गया, फिर मैंने इसमें मज़ीद 15 गिलास शामिल किए। अभी ये हो गए थे फिर 22-23 गिलास, अभी ये 10 से 12 गिलास जो है ना पानी रह गया। अभी फिर मैं मज़ीद इसमें 15 गिलास शामिल करूँगा, ये लास्ट दफ़ा आखिरी दफ़ा 15 गिलास मज़ीद मैं ठंडा पानी शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर जी मैंने पानी शामिल कर लिया है, मज़ीद इसको बॉयल होने तक किसी का इंतज़ार करेंगे और इसको हम मज़ीद आधा पानी इसमें से हमने फिर से इसको ख़त्म करना है। कम होगा आधा 50% होगा तो फिर हम इसको तैयारी के मराहल में लाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर जब तक हमारा कहवा तैयार हो रहा है सब्ज़ चाय का, मैंने पिस्ते लिए हैं, 10 अदद पिस्ते के जो है ना हमने पीस ले लिए हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से हम काट लेंगे, ये देखें। तो इंशाल्लाह ताला चाय भी आपको बना के दिखाएंगे। अगर आपको बादाम पसंद है आप बादाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह चाय भी बना के दिखाऊंगा। व्यूअर जी देखें, मैंने इधर एक साइड पे दूध रखा है, दूसरे फ्लेम पे इसमें मैं चीनी डालूंगा अपने हस्बैंड जायका जितनी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है जी। इसमें हम चीनी शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर इसमें अभी एक दो चीज़ें मैं डालूंगा जो कमर्शियल हजरात के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कोई भी नहीं आपको बताएगा कि चाय कैसे तैयार होती है। ग्रीन टी जो असल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिस कर जाते हैं वीडियोज़ में भी, अक्सर यूट्यूबर्स जो वीडियो में भी नहीं दिखाते, स्किप कर देते हैं, मैं वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, अभी मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बताता हूँ। व्यूअर्स इसमें अभी मैं जो कहवा हम तैयार कर रहे हैं, कहवा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखेंगे अभी कलर इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स देखिए, मैंने इसमें एक मग्गा डाला है तो कितना प्यारा कलर निकला है। अभी इसको हम गर्म करेंगे, पकाएंगे इसको अच्छी तरह से, और इसमें अभी एक चीज़ डालूंगा मैं, उसके साथ ये चाय बड़ी गाढ़ी और थिक हो जाएगी, बहुत टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। व्यूअर जी देखें, बॉयल आ रहा है दूध को, अभी इसमें हम शामिल करेंगे ज़बरदस्त खुश्क दूध, ड्राई मिल्क इसमें हम शामिल करेंगे 50 ग्राम, ठीक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी से इसमें देखिएगा थिकनेस भी इसकी बढ़ेगी, कितना गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, खोए की माने इसका टेस्ट आएगा। व्यूअर जी देखें, हमारा कहवा जो है ना वो तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, हाफ रह गया है, तो इसको मैं अभी फ्लेम बंद करूँगा और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब ठंडा होगा तो इसको मैं ड्रेन करूँगा छन्नी से, इसको ड्रेन करके तो हम स्टोर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं चाय भी तैयार हो गई, मैं आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। व्यूअर चाय हमारी तैयार हो चुकी है, अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके इंशाल्लाह ताला दिखा रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स इसमें जो मैंने पिस्ता मैंने किया क्रश, ठीक है ना, वो शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की ये चाय बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स में लाजमी फीडबैक देना है, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और दोबारा से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और मैं आपको मुकम्मल कमर्शियल रेसिपी दी है, मज़ीद
इस तरह की और अच्छी सी रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।